CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 के छात्रों के लिए कार्यक्रम मेमने की कहानी भाग 2। आलेख सुधा गुप्ता का है और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता। बच्चों, तुम्हें चुनमुन मेमने की राम राम। आज मैं अपनी माँ को बता कर आया हूँ। मुझे याद है अपना वादा कि तुम्हें भेड़िये की कहानी सुनानी है। अरे भाई, इसीलिए तो मैं आज जल्दी जल्दी भागा भागा आया हूँ। मेरी माँ कहती है कि सारा काम ठीक समय पर करना चाहिए। अच्छा, तो अब हम और बातें छोड़कर अपनी कहानी शुरू करते हैं। बच्चों, बहुत पुरानी बात है, जंगल में एक बकरी रहती थी। उसका नाम था मालू। उसके छोटे छोटे मेमने थे, कालू और मोटू। कोई सफेद, कोई काला। मेमने अपनी माँ के साथ दिन भर हरी हरी पत्तियां खाते और शाम को सूरज छुपते ही बांस के झुरमुट में आकर सो जाते। उसी झुरमुट में कुछ और बकरियां भी रहती थीं। उसी जंगल में तोंदू नाम का एक भेड़िया भी रहता था। उसकी निगाह मालू बकरी के बच्चों पर थी। वो बकरी के नन्हे बच्चों को मार कर खा जाना चाहता था, इसीलिए हमेशा मौके की तलाश में रहता था कि कब बच्चे अकेले मिले और कब वो उन्हें हड़प ले। लेकिन मालू बकरी बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ती थी, क्योंकि उसने एक बार भेड़िये को ताकते हुए देख लिया था। अब तोंदू भेड़िये को लगा मालू बकरी के सामने उसके बच्चों को मार पाना मुश्किल है। मालू के लंबे लंबे सींगों से भेड़िया डरता भी था। एक दिन मालू बकरी कहीं बाहर गई। भेड़िये को मालूम हुआ तो उसने सोचा, ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। वो तुरंत बांस के झुरमुट में पहुंचा और जानवरों से बोला, जंगल के रखवाले ऊंट ने अभी अभी ऊंचे डूंगर से देखा है कि दूर से बहुत सारे लोग
जलती हुई मशाले लिए हमारी तरफ चले आ रहे हैं। अरे कोई बहुत बड़ा खतरा लगता है। मैं शेर को खबर देने जाता हूँ, तुम लोग अपनी अपनी जान बचाओ, तुम लोग अपनी अपनी जान बचाओ। ये कहकर भेड़िया थोड़ी दूर जाकर छुप गया और इंतजार करने लगा कि सारे जानवर भाग जाएं तो बच्चों को अकेले में मारा जाए। लेकिन मेमने बहुत होशियार थे, उन्हें अपनी माँ की बताई हुई बात याद थी। वो समझ गए इसमें भेड़िये की कोई चाल है। उन्होंने अपनी माँ का इंतजार नहीं किया और दूसरे जानवरों के पीछे पीछे भागते चले गए, भागते चले गए। कौन किधर गया इसका कुछ पता नहीं। चलते चलते कालू को जंगल में एक आदमी मिला जो जंगल से सरकंडे काटकर शहर ले जा रहा था। कालू ने उससे सरकंडे ले लिए और उनसे अपना मकान बनाया। कालू ने अपने मकान में हवा और रोशनी के लिए खिड़की और रोशनदान बनाए। पुराने जमाने में तो खिड़की और रोशनदान की जगह झरोखे ही होते थे। झरोखे खिड़की और रोशनदान से छोटे होते हैं, उनमें जालियां होती हैं। कालू ने भी अपने मकान में सरकंडों की जाली बनाकर झरोखे बनाए। इन झरोखों में से वो किसी भी आने वाले को बिना दरवाजा और बिना खिड़की खोले देख सकता था। मकान बहुत ही अच्छा बना था, खूब हवादार। लेकिन तोंदू भेड़िया कालू के घर भी पहुंच गया। भेड़िये ने मालू की आवाज बनाकर पुकारा, खो खो खोल के बढ़िया मेरे बच्चे, लाई हूँ मैं गोलर कच्चे। खोल के बढ़िया मेरे बच्चे, लाई हूँ मैं गोलर कच्चे। खोल। कालू मेमने पर भेड़िये की इस चाल का कुछ भी असर नहीं हुआ क्योंकि उसने तो पहले ही देख लिया था। कालू ने उसकी बात का कुछ भी जवाब नहीं दिया। तो भेड़िये ने झरोखे में से घर के अंदर झांका, लेकिन कालू कालू मेमना मजे से लेटा हुआ था। भेड़िये को कालू मेमने पर बड़ा गुस्सा आया। सरकंडों की दीवार पर तोंदू भेड़िया अपने पंजे मारने लगा। जरा सी ही देर में घर उजड़ गया। लेकिन बच्चों, वहां कुछ कांटे भी पड़े थे। वो कांटे तोंदू भेड़िये के पंजों में चुभने लगे। अब तो दर्द के मारे तोंदू भेड़िया परेशान हो गया। वो वहीं बैठ गया और अपने पंजे से कांटे निकालने लगा। बस कालू मेमने को मौका मिल गया। वो तेजी से भागता भागता बहुत दूर निकल गया। अब सुनो मोटू मेमने की बात। मोटू मेमना बहुत मेहनती और होशियार था। उसने अपना घर
अपने भाइयों की तरह घास फूस मिट्टी या सरकंडे का नहीं बनाया था। मोटू मेमने ने अपना मकान ईंट चूने और रेत से बनाया था। घर में अंदर जाने के लिए दरवाजा, आमने सामने हवा के लिए दो खिड़कियां, खिड़की रोशनदान और इसके अलावा एक छोटा सा झरोखा भी। झरोखा इसलिए बनाया था जिससे किसी भी आने जाने वाले को दरवाजा खोलने से पहले ही देखा जा सके। अब बच्चों, भेड़िया मोटू मेमने के घर भी पहुंच गया और दरवाजे पर खड़े होकर उसने आवाज लगाई। खोल के बढ़िया मेरे बच्चे, लाई हूँ मैं गोलर कच्चे। खोल के बढ़िया मेरे बच्चे, लाई हूँ मैं गोलर कच्चे। खोल। मोटू ने झरोखे में से झांक कर कहा, अरे तोंदू भाग जा यहाँ से, मैं तुम्हारी चाल में नहीं आऊंगा। तुम्हारे जैसे दुश्मनों से बचने के लिए ही तो मैंने ये पक्का और मजबूत मकान बनाया है। मकान पक्का था, ईंट और चूने से बना। मोटू मेमना रात को मजे से सो गया। आधी रात को तोंदू भेड़िया उठा और जंगल में बहुत दूर भाग गया। सुबह जब मोटू मेमने की आंख खुली तो उसने सुना, अरे ये तो उसकी माँ थी और साथ में थे कालू। सब बहुत खुश हुए और आराम से उस पक्के मकान में रहने लगे। बच्चों, कैसी लगी कहानी? अच्छा बच्चों, राम राम। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।